वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग सीरीज कर रहे हैं एंड हमने ऑलरेडी लेक्चर्स कर लिए हैं। ऑफर पे, एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन पे सेपरेट हमने लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं। वो मैंने इसलिए पहले कराएं क्योंकि बेरेट लैंग्वेज, जब मैं बेरेट लैंग्वेज कराऊंगा सेक्शंस तो आपको इजीली समझ लग जाए उसकी रिगार्डिंग ये ऑफर का मतलब क्या है, उसमें ऑफर्स में क्या क्या एसेंशियल इन्ग्रीडियंट्स हैं, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, उसके इन्ग्रीडियंट्स क्या है, कंसीडरेशन क्या होती है, उसके कैसे उसको कंसिडर करना होता है, वो इसलिए मैंने पहले लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं आपके रिकॉर्डिंग। तो आज हम लोग बेरेट लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे सेक्शन टू से, राइट। सेक्शन टू के रिगार्डिंग मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है, आप उसको प्लीज याद कर लेना, क्योंकि अगर ये याद हो जाएगा तो आपको पूरा सेक्शन टू जो है आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। नाउ सेक्शन टू में मैंने आपको फॉर्मूला है PP-CA-RVCV, राइट। इट्स अ फॉर्मूला, यहां पर मैंने डैश इसलिए रखा है कि यहां पर क्लॉज को हम छोड़ेंगे। नाउ दिस पी इज प्रपोजल एंड पी इज प्रॉमिस, सी इज कंसिडरेशन, ए इज एन एग्रीमेंट, आर इज अ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, वी इज वॉइड, सी इज कॉन्ट्रैक्ट एंड वी इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब हम सेक्शन टू के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो सेक्शन टू की ए क्लॉज, बी क्लॉज, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई ऐसे ही जो चलती रहेगी। ये जो सेक्शन टू है आपको इजी रहेगा यहाँ पर याद रखने के लिए, रेक्टिफिकेशन नहीं ज्यादा जरूरी थी इसमें, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है PP-CA-RVCV। उसका मतलब आपको मैंने आपको बता दिया कि पी इज अ प्रपोजल, प्रॉमिस, सी जो डैश है वो सी कंसीडरेशन, ए एग्रीमेंट है, एस के बेसिकली ये दिस इज द फॉर्मूला आपको याद रहेगा सेक्शन टू के रिगार्डिंग। तो पहले हम बात कर रहे हैं प्रपोजल की। मैंने ऑफर के रिगार्डिंग सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग किया है, कंसीडरेशन के रिगार्डिंग, ये सारे मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं ताकि आपको फंडा क्लियर हो जाए। एज पर सेक्शन टू इज कंसर्न, वहां पर लिखा है कि जो ए क्लॉज के अगेंस्ट वन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, अगर एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है किसी को ताकि उसकी असेंट ली जा सके, उसकी कंसेंट ली जा सके उसके रिगार्डिंग, तो दिस इज आ बेसिकली एन ऑफर फॉर समथिंग। अगर ए अपना घर सेल करना चाहता है, उसने ऑफर किया बी को कि क्या आप मेरा घर परचेज करना चाहते हो 2 लाख में, तो दिस इज जस्ट एन ऑफर, दिस इज जस्ट एन ऑफर, राइट। ए ऑफर कर रहा है, बी अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो बन जाएगा प्रॉमिस, दैट इज सेकंड पॉइंट, प्रॉमिस। जब वो एक्सेप्ट करेगा इट बिकम अ प्रॉमिस इन बिटवीन बोथ द पार्टीज, ठीक है जी। तो यहां पर प्रॉमिस के रिगार्डिंग वहां पे दिया हुआ है, सो वहां पे वो लिखा कि हम उसको बेसिकली ए पॉइंट को उसको प्रपोजल बोलेंगे जब एक पर्सन किसी को ऑफर करता है। सेकंड पॉइंट में मेंशन किया है, बी पॉइंट में मेंशन किया है कि कोई भी पर्सन, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिस पर्सन को ऑफर किया है अगर वो पर्सन अपनी असेंट दे रहा है, मींस कंसेंट दे रहा है कि हाँ वो एग्री हो रहा है, उसने एक्सेप्ट कर लिया आपका रिगार्डिंग, तो उसको हम बोलेंगे उसने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम अ प्रॉमिसेस, अब वो प्रॉमिस बन गया, ठीक है जी। यहां पर मैंने आपको एक बार और क्लियर कर दूं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इट बिकम प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज अ सीक्वेंस, राइट। जब भी एक पर्सन ऑफर करता है अगर कोई पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, दिस इज द सेकंड पॉइंट। ऑफर जिसको हमने ऑफर किया है अगर वो पर्सन अपनी कंसेंट दे रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट बिकम अ प्रॉमिस। प्रॉमिस अगर उसके बदले वो कुछ दे रहा है तो वो कंसेशन जब होगा तो ये एग्रीमेंट होगा। अगर वो कह रहा है ठीक है जी मुझे हाउस दे गिफ्ट कर दो, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, अगर आप सेल करना चाहते हो कर दो, मुझे फ्री में दे दो, मैं तो कुछ नहीं दूंगा आपको, तो इट इज जस्ट अ मेयर प्रॉमिस, नथिंग एल्स। उसने एक्सेप्ट करा लेकिन उसके बदले में वो मनी नहीं दे रहा, वो प्रॉमिस हो जाएगा लेकिन वो कंसीडरेशन नहीं है उसमें, इसलिए वो एग्रीमेंट नहीं है। तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन बिकम एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वो एग्रीमेंट है, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें उसमें वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है,
वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्समेंट बाय लॉ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो मेयर एग्रीमेंट है। ठीक है, तो वापस आता हूं मैं, प्रॉमिस को मैंने डिफाइन कर दिया। अब थर्ड पॉइंट सी वहां पे लिखा हुआ है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज एन उसको बोलते हैं प्रोमिसर, जब वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको बोलते हैं प्रोमिसी। ठीक है, इसलिए मैंने डैश रखा हुआ है क्योंकि ए और बी को दोनों को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। देन वी हैव अ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के रिगार्डिंग मैंने आपने सेपरेट लेक्चर वहां पे अपलोड किया हुआ है। तो कंसीडरेशन वहां पे क्या है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी या अनदर पर्सन कोई करता है, कुछ काम करता है या अब्सटेन करता है, डू करता है, तो वो बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं कि वो जो एक्ट है, वो जो एब्सिस्टेंस करने के लिए, उसको हम कंसीडरेशन बोलते हैं। ये कह रहा है कि मैं अपना घर आपको सेल कर रहा हूं, अब मुझे 2,00,000 रुपए दे दो। सो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर वो 2,00,000 अगर देगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, अब ये नहीं कि वो कह रहा है कि मैं 2,00,000 रुपए सेल करूंगा और प्रोमिसी कह रहा है ठीक है जी ये लो 1,00,000 रुपये ले लो, सॉरी, क्योंकि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर क्या 2,00,000 रुपए, तो आप उससे कम तो दे नहीं सकते। अगर उससे कम दे रहे हैं वो कंसिडरेशन ही नहीं है क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है बाय द प्रोमिसर। हाँ, वो अलग बात है, अगर अब आप 1,00,000 दे रहे हो तो उसने उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है 1,00,000 ही दे दो, तो बात करो। अदरवाइज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ही कंसिडरेशन जो है वो होती है। देन वी हैव अनदर पॉइंट, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या, मैंने आपको बोला कि प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन वो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी हो सकता है और इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं भी हो सकता। कई ऐसे एग्रीमेंट है, लाइक सपोज ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि मुझे 2 kg ओपियम जो है वो सप्लाई कर दो। ओपियम इज अ कॉन्ट्राबैंड जो बिल्कुल बंद किया हुआ एनडीपीएस एक्ट में, तो इट्स अ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जिसको लॉ द्वारा बंद किया हुआ है कि आप इसको आप सेल या परचेज नहीं कर सकते। तो अगर ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया है कि मुझे 2 kg ओपियम सप्लाई कर दो, तो दिस माइट बी एन एग्रीमेंट which is not enforceable by law, so it is not a contract at all. अगर A ने B के साथ agreement किया कि ठीक है अब C का कत्ल कर दो मैं आपको 2,00,000 रुपए दूंगा, तो although it is an agreement, but it is illegal, it is not enforceable by law, so it's not a contract, it is just made an agreement. ठीक है जी, तो ये basically वहां पर promise plus consideration agreement ही होता है, agreement enforceable law भी हो सकता है और enforceable law नहीं भी हो सकता। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे एग्रीमेंट के एग्रीमेंट ही रह जाते हैं। सो देन अनदर वन, वहां पे हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट में वहां पे लिखा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। जब हम प्रॉमिस करते हैं, सेट ऑफ प्रॉमिसेस भी दोनों पार्टीज के बीच में होते हैं। ठीक है जी, मैं आपको ये सेल कर रहा हूं, आप उसके बदले में मुझे ये दे दो। ठीक है जी, उसने कहा ठीक है, आप सपोज ए ने कहा कि मैं आपको घर सेल करना चाहता हूँ। ठीक है जी, बी कहता है ठीक है आप जितने में कहोगे मैं उतने में परचेज करने को रेडी हूँ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने 2,00,000 का, मैं 2,00,000 में आप घर परचेज करने को लिए वेलिंग हूँ। तो वहां पे सेट ऑफ प्रोमिसेस है, दोनों के एक दूसरे के प्रोमिसेस हैं। ए का प्रोमिस क्या है कि वो अपना घर सेल करेगा उसको, बी का प्रोमिस क्या है कि उसके बदले में वो उसको पैसा देगा 2,00,000 रुपीज। तो सेट ऑफ प्रॉमिसेस वहां पे रहते हैं हमारे, दोनों के पार्टी के एक दूसरे के लिए प्रॉमिसेस होते हैं, वो बेसिकली जो कंसीडरेशन वो हम लोग बोलते हैं उसको एग्रीमेंट। दोनों के एक दूसरे के जो साथ एग्रीमेंट किए होते हैं, जो प्रॉमिसेस किए होते हैं, उसको हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। देयर आर अनदर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस भी वही होते हैं, वहां पे स्पेशल मेंशन की प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या करना है वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। प्रोमिसेस भी हो गए, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी हो गए, एक दूसरे के रिगार्डिंग। आपका ही ड्यूटी है कि इसको 2,00,000 रुपए देने हैं, इसकी ड्यूटी क्या है कि आपको घर सप्लाई करेगा, फ्री ऑफ इनकमर्स देगा। ठीक है जी, ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो गए। देन यू अनदर वन, दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है जी, वहां पे मैं आपको पहले बोला जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जो एग्रीमेंट एट द बिगिनिंग स्टेज वो इन्फोर्सेबल लॉ ही नहीं है, तो वो एग्रीमेंट सारे हो गए वॉइड। सपोज ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया था कि ओपियम सप्लाई करने का, इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। सेकंड थिंग, अगर ए ने बी को बी के साथ प्रॉमिस किया है, एग्रीमेंट किया है कि ठीक है आप सी का कत्ल कर दो मैं आपको 2,00,000 रुपए दूंगा, तो ये भी जो एग्रीमेंट है बेसिकली वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो भी बेसिकली वॉइड ही माना जाता है। ठीक है, तो वो हमारे वॉइड एग्रीमेंट है, वो एट द बिगिनिंग एट वॉइड अब इनिशियो होते हैं हमारे, तो वॉइड अब इनिशियो एट द स्टैटिक एट द बिगिनिंग वो हमारे वॉइड एग्रीमेंट होते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है. देन यू फर्दर इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले आपको बोल दिया कि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्समेंट बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो वहां पे लिखा हुआ है एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. एंड एट द एंड वहां पे वॉइडेबल मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला में. और वॉइडेबल क्या कि वो एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ. क्योंकि अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो बात ही खत्म. वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. लेकिन वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है ठीक है जी. लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एक पार्टी के पास राइट है कि वो उसको जाके कोर्ट में वॉइडेबल डिक्लेयर करा दे क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ. दूसरी पार्टी ने धोखा किया है. उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी. इट वॉज थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन थी. अनड्यू इन्फ्लुएंस थी ठीक है जी. फ्रॉड था. तो लॉ कहता है कि अगर एक पार्टी के साथ आप जबरदस्ती कर रहे हो जबरदस्ती आपने उसकी कंसेंट ले ली तो लॉ कहता है ऑल दो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सबल लॉ है लेकिन उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी. उसकी कंसेंट वॉलंटरली नहीं थी. तो इसलिए वो जो एग्रीमेंट है एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी मैं आपको पहले कह रहा हूं एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी एक पार्टी उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकती है. जब तक वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करवाती वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा ठीक है जी. तो ये हमारा जो हमारा सेक्शन 2 है वहां पे स्पेशली मेंशन लिखे जे में अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल. एज अ कॉन्ट्रैक्ट जो मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्रीमेंट. वहां पे स्पेशल लिखे वो कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल लॉ था लेकिन सीजेबल हो गया बाद में वो इन्फोर्सेबल पर नहीं रहा लॉ तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमेटिकली वॉइड मान के चलते हैं. आई सपोज अगर हमारे पहले क्या होता है हम लोग एग्रीमेंट कर लेते थे हम बच्चों की मैरिज करवाते थे. अब लॉ आ गया कि हम बच्चों की मैरिज चाइल्ड मैरिज है वो आप करवा नहीं सकते. अब सपोज कि आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ मैं अपने लड़के की मैरिज आपकी लड़की के साथ करवा दूंगा तब वो लॉ नहीं था चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग. लेकिन अभी ये मैरिज हुई नहीं कि लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने कि भाई हाँ अभी आप चाइल्ड मैरिज जो कराओगे वो पनिशेबल है. अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पहले इन्फोर्सेबल लॉ था लेकिन वो सीज टू इन्फोर्सेबल लॉ हो गया इसलिए वो वॉइड हो गया अपने आप ठीक है जी. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं. देन वी वन सेक्शन दैट इज थ्री सेक्शन. थ्री सेक्शन में वहां पे वर्ड लिखे कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल. कैसे कम्युनिकेशन होती है ऑफर की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसे होगी उसको कैसे हम लोग रिवोक कर सकते हैं. सेक्शन 3 वर्ड यूज कर रहा है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल मींस ऑफर की बात कर रहा हूं मैं. द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल और ऑफर जो एक्सेप्टेंस की जो है प्रपोजल जो है सपोज ऑफर जो हो गया उसकी कम्युनिकेशन प्रॉमिसी कब होगी. प्रॉमिसी ने जब उसको एक्सेप्ट किया तो उसकी जो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉमिसर तक कब पहुंचेगी उसके रिगार्डिंग और उसको कौन रिवोक कर सकता है कब रिवोक किया जा सकता है वो जो है वो हम लोग लॉ जो है सेक्शन 4 से लेके सेक्शन जो है 6 वर्ड वहां पे लिखा हुआ है 6-7 तक वहां पे है वो उसके साथ डील कर रहे हैं. तो सेक्शन 3 इज अ जनरल सेक्शन वहां पे सिर्फ इतनी सी बात कर रही है कि जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल है या रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस respectfully are deemed to be made by an act or omission of the party. एक person के act द्वारा ही उसको cancel किया जाता है. एक person के act द्वारा ही उसको communicate किया जाता है. Like मैंने मन में सोच लिया कि मैं उसको accept कर रहा हूं तो मेरे द्वारा कोई act नहीं किया गया. जब मैं act करूंगा मैंने phone उठाया मैंने उसको call कर दी कि हाँ भाई मैंने आपके offer को accept कर दिया. अब ये था act. इस act के द्वारा मैंने उसको accept कर लिया. अब वहां पे लिखा है ऑमिशन ऑफ द पार्टी की वर्ड लिखा है. सपोज मैंने ए ने ऑफर किया बी को कि मैं आपको क्लोथ एक कपड़ा भेज रहा हूं ठीक है जी बल्क में भेज रहा हूं अगर आपको पसंद आ गया तो आप रख लेना ठीक है जी. लेकिन अगर आपने विद इन 15 डेज कोई रिप्लाई नहीं किया तो मैं आप ये मान के चलूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया. अब ए ने बल्क में वो कपड़ा भेज दिया बी को. अब बी के पास टाइम नहीं था उसको बी ने 15 दिन ले लिए ठीक है जी. लॉ कहता है कि आपकी ओमिशन आपकी गलती के कारण वो एक्सेप्ट ही माना जाएगा ठीक है. जहां वो कपड़ा जब भेजा बी को भेजा कपड़ा भेजा तो उस बी ने क्या किया वो कपड़ा टेलर को दे दिया उस स्टिचिंग कराने के लिए तो वो ऑटोमेटिकली हो गया एक्सेप्ट हो गया. तो एक्ट और ओमिशन द्वारा भी आपकी एक्सेप्टेंस आपकी रेवोकेशन जो है वो मानी जाती है. तो ये सेक्शन 3 था. इसके अलावा हम लोग जो सेक्शन की बात कर रहे हैं सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है वाली.
सेक्शन फोर इज इंपॉर्टेंट, वहां पर लिखा कम्युनिकेशन वेल कंप्लीट। यहां पर ए ने बी को ऑफर किया है, ऑफर राइट, ए ने बी को ऑफर किया है, जो कोई भी ऑफर लगा लो, सपोज कार के रिगार्डिंग किया कि ए ने अपनी कार सेल करनी है 2 लाख में। अब ए ने बी को ऑफर किया है, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी अगेंस्ट ए, जब ए का ऑफर बी को बी ने रिसीव कर लिया, तो उसके बाद जो ए है वो अपना ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता, अपना ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता। व्हेन द ऑफर कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ बी, देन ए जो है वो बाउंड हो जाता है, वो अपना ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ए अपना ऑफर रिवोक कब कर सकता है, विड्रॉ कब कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए ने ऑफर किया, अभी वो रास्ते में है, अभी बी तक पहुंचा नहीं, ए ने टेलीफोन कर दिया बी को कि भाई मैंने आपको ऑफर लेटर भेजा था, उसमें ऑफर किया था अपने कार के रिगार्डिंग, तो मैं आपको फोन करके बता रहा हूं कि मैंने वो ऑफर वापस ले रहा हूं क्योंकि मैंने वो कार सेल कर दी। तो टेलीफोनिकली उसने पहले बता दिया, तो लॉ कहता है अब वो ऑफर जो है ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो गया। लेकिन अगर वो ऑफर वंस इट इज रीच टू द इनटू द हैंड ऑफ बी, बी को अगर पता लग गया तो बात खत्म, अब ए के पास कोई वो जो है अल्टरनेटिव नहीं है, वो अपना ऑफर जो है वो कैंसिल नहीं कर सकता। इन द सेम वे यहां पर अगर ए ने ऑफर किया बी को, ए तो बाउंड हो गया, ए बिकम बाउंड, अब ए तो विड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है जी। अब यहां पर क्या है कि बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया, अभी वो रास्ते में है, अभी उसको अभी ए को मिला नहीं, तो बी के पास अभी राइट है कि वो अपना जो एक्सेप्टेंस है वो कैंसिल कर सकता है, वो रिवोक कर सकता है पहले फोन करके। लेकिन अगर बी का लेटर ए को मिल गया तो उसके बाद बी भी अपना जो है एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक नहीं कर सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 4, वहां पे लिखा है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट When it comes into the knowledge of the person to whom it is made, A ने B को offer किया, जब B को उसके regarding knowledge आ गई, तो जो है वो proposal complete हो गया, ठीक है जी। अब जो offerer है, जो proposal है, जो promiser है, वो अपना offer withdraw नहीं कर सकता। Second point, the communication of an acceptance is complete as against the person who makes it. When it put into the course of transmission to the person to whom it is made, so as to put out of the power of the person who makes it. Law कहता है कि जब B ने acceptance letter भेजा, suppose A ने offer किया, B ने acceptance का letter जो है letter box में डाल दिया, ठीक है जी, letter box में acceptance का letter डाल दिया, अब वो letter box से वो निकाल तो सकता नहीं है, That means, यहां पर ऑटोमेटिकली आप बी कुछ नहीं कर सकता, लेटर उसने डाल दिया, वहां पे स्पेशली वर्ड लिखा है, प्लीज आप इसको ध्यान में रखना, यहां पर बेरेट लैंग्वेज क्या करी है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, किसने ऑफर किया, ए ने, तो ये पर्सन है जिसने ऑफर किया है मेक्स इट। अब बी जो है वो क्या कर रहा है, वेन इट पुट इन टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये ट्रांसमिशन की ट्रांसमिशन में वो पुट कर दिया, उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया, टू हुम इट इज मेड, ठीक है जी, so as to be out of the power of the person who makes it, तो अब उसकी पावर में नहीं रहा, बी की पावर में नहीं रहा, क्योंकि उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया, वो वापस नहीं निकाल सकता, जब उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया, ए टोटली बाउंड हो गया, वो अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अभी वो एक्सेप्टेंस ए तक पहुंची नहीं है, दैट मींस अभी बी के पास राइट है, वो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है, ऑल्दो ए तो बाउंड हो गया, जैसे उसने बी ने अपनी एक्सेप्टेंस डाली राइट आउट ऑफ उसके पावर के पावर से निकल गई, लेटर उसमें डाल दिया, तो ए ऑटोमेटिकली बाउंड हो गया। लेकिन अभी वो लेटर ए के पास पहुंचा नहीं है, अभी कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, दैट मींस दैट द प्रोमिजी हैज द पावर टू रिवोक हिज एक्सेप्टेंस और टू विड्रॉ हिज एक्सेप्टेंस, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट लिखा वहां पे, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट कम टू द नॉलेज, अब बी के अगेंस्ट वो कब जो वो कंप्लीट कब होगी कम्युनिकेशन, जब बी का एक्सेप्टेंस का लेटर ए तक पहुंच जाएगा, तो बी भी बाउंड हो गया। तो ये सेक्शन हमारे सेक्शन 4 था, वहां पे स्पेशली वर्ड लिखा है, इलस्ट्रेशन दिया है कि ए ने ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस,
इन्हें बी का प्रपोजल भेजा कि मैं अपना घर सेल करना चाहता हूँ। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कम्प्लीट व्हेन बी रिसीव द लेटर। जब जैसे ही बी ने रिसीव किया लेटर, ऑफर कम्प्लीट हो गई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ ज्यादा नहीं है, आपकी आईज कम्प्लीट होनी चाहिए। बेसिकली इट्स आई बॉल, इट इज आई बॉल, ये मेरा अपना फॉर्मूला है कि आपकी आई बॉल कंप्लीट होनी चाहिए जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है। ए ने ऑफर किया बी तक, हाफ आई कंप्लीट हो गई, बी तक पहुंच गया तो ए बाउंड हो गया। अब बी ने एक्सेप्टेंस भेजी, अब बी की जो एक्सेप्टेंस है ए तक जब पहुंच गई तो पूरी आई बॉल कंप्लीट हो गई। आई बॉल हमारी कंप्लीट होने के बाद अब वो एक्सेप्ट ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि वो प्रॉमिस बन गई। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द कंप्लीशन ऑफ द आई बॉल, आपकी सर्कल कंप्लीट होनी चाहिए। आप जब भी आपको देखना कि वो प्रॉमिस बना है कि नहीं बना, तो आप प्लीज आप सर्कल कंप्लीट करके देख लो। अगर सर्कल कंप्लीट हो गया तो डेट इज डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, जिसकी साइड से वो जो सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा, डेट मीन्स उसी के पास राइट है कि वो अपना जो ऑफर या वो एक्सेप्टेंस वो रिवोक कर सकता है। लाइक सपोज जैसे मैंने आपको ए ने बी को ऑफर किया, तो वो अभी आई वॉल कंप्लीट नहीं हुई, हाफ अभी ऑफर रास्ते में ही है, तो वो विड्रॉ कर सकता है अपना ऑफर। ठीक है जी। बी ने अगर एक्सेप्ट किया तो वो अभी रास्ते में है, ए तक पहुंचा नहीं है, तो बी के पास राइट है। तो जिसका फिगर कंप्लीट नहीं हो रहा, सिर्फ उसी के पास राइट है कि वो अपना ऑफर या अपने एक्सेप्टेंस वो रिवोक कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 2 टू सेक्शन 4। ठीक है जी। आपको इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आप डिस्कस कर लेना, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग जो केस लॉ है वो मैंने ऑलरेडी उसको डिस्कस किया है, मैंने लेक्चर में ऑफर एक्सेप्टेंस और कंसीडरेशन में मैंने कंप्लीट जो है वो केस लॉ डिस्कस किए हैं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आप डिस्कस कर लेना, कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।